नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एमटीटीवी इंडिया। और आज आपको लेकर चल रहा हूं खाकी की उस दुनिया में जहां एक बार खाकी जिस पर चढ़ जाए तो समझो लाखों रुपए महीने की कमाई शुरू। हाँ, सही सुना, कमाई। लेकिन अवैध कमाई, वसूली की कमाई, भ्रष्टाचार की कमाई, आम जनता के डर की कमाई, ऐसी कमाई जिसे अजमेर पुलिस के वसूली भाई दुनिया के मशहूर बाजार दरगाह बाजार में खुलेआम वसूलते हैं। और उसी वसूली को एमपीटीवी इंडिया ने अपने कैमरे में कैद किया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक पूरी चैन है इस जगह के वसूली भाइयों की, जिनकी नौकरियां राजस्थान पुलिस में इसलिए लगी थी ताकि यहां आकर आम जनता में विश्वास और भरोसा ला सके, कानून व्यवस्था को बना सके। लेकिन नहीं शायद, जिस कागज के टुकड़े पर महात्मा गांधी छपे हो उससे बड़ा भला टोपी पर सिंह का निशान इनके लिए कैसे हो सकता है। इनके लिए खाकी खुलेआम वसूली करने का लाइसेंस है, वो लाइसेंस जो इन्हें खुलेआम बाजार में वसूली करने देता है। और इसी अवैध वसूली के लाइसेंस पर एमपीटीवी इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। और इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को पहले तो हम खुद करने गए थे, लेकिन स्टिंग करने से पहले ही शहंशाह होटल के मालिक हमारी टीम से झगड़ लिए। और इसके बाद स्टिंग ऑपरेशन को हमारी जो बैकअप टीम थी, जो कि हमारे तीन अंडरकवर रिपोर्टर्स हैं, उन्हें करना पड़ा। और इन अंडरकवर रिपोर्टर्स की पहचान हम बता नहीं सकते, लेकिन इन्होंने अपना काम बखूबी किया और खाकी के घूसखोर पुलिसकर्मियों को अपने HD कैमरे में कैद कर लिया, जो पुलिसकर्मियों को पता भी नहीं चला। और अब देखिए उस तस्वीर को जिसका इंतजार आप सभी को था, वो स्टिंग जिसमें घुसखोर अवैध वसूली करने वाले पुलिसकर्मी कैद हुए हैं। ये स्टिंग दरगाह बाजार के धान मंडी इलाके का है, जहां खुलेआम सड़क के बीचों बीच पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को कुछ यूं अंजाम देते हैं कि जब घर जाते हैं तो अपनी तनख्वाह जितनी रकम हर रोज घर ले जाते हैं। देखिए ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन। हमारी गाड़ी धान मंडी इलाके में दाखिल हो चुकी है और दाखिल होने के साथ अब हमारी बातचीत, हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स की बातचीत जो धान मंडी के यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर जहाँ पुलिसकर्मी बैठते हैं उनसे बातचीत चल रही है। इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन का जो ऑडियो है वो ऑडियो क्लियर नहीं होने के कारण हम आपको वॉइस ओवर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे स्टिंग ऑपरेशन में क्या खेल चल रहा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स इस वक्त रुपए गिन रहे हैं, रकम गिनी जा रही है। एक टैंकर को पास करने के यहाँ से इस इलाके से 200 रुपए लिए जाते हैं। और लगभग जो हमने वहाँ पे टैंकर चालकों से बात की है, जो टैंकर के ड्राइवर हैं उनसे जो हमने बातचीत की है, उस बातचीत में ये निकल कर आया है कि एक दिन में लगभग यहाँ से 150 टैंकर रोज़ निकलते हैं और पर टैंकर 200 रुपए की अवैध वसूली ये पुलिसकर्मी यहाँ करते हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इस वक्त रुपए को काउंट कर रहे हैं, रकम जो इनको देनी है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने 800 रुपए दिए हैं 4 टैंकर को यहाँ से पास कराने के लिए, जिसमें पुलिसकर्मियों को कहीं से भी ये पता नहीं चला है कि इस वक्त उनका स्टिंग चल रहा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर जो रकम हमें देनी है पुलिसकर्मियों को उसको गिन रहे हैं। आपको बता दूं पूरा खेल, 150 टैंकर यहाँ से मिनिमम रोज पास होते हैं, पर टैंकर के 200 रुपये लिए जाते हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर आगे पुलिसकर्मी के पास आ रहे हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। ये अजमेर SP को इनकी पहचान करके, CI को पहचान करके इनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, ये उनका काम है। नाम किसी की भी जो नेम प्लेट है वो झुकी हुई है नीचे की ओर। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 150 टैंकर रोज़ यहाँ से निकलते हैं और इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाती है तो महीने में यहाँ से 4500 जो टैंकर हैं पानी के वो पास होते हैं। पानी के टैंकर की ये वसूली यहाँ पर जितने भी गुजरते हैं यहाँ से उनसे की जाती है। और इसको, इस अमाउंट को, इस अवैध वसूली को अगर महीने के हिसाब से कैलकुलेट की जाए तो 4500 टैंकर टोटल जो होते हैं और 200 रुपए के हिसाब से तो 900,000 रुपए ये पुलिसकर्मी यहाँ बैठे बैठे महीने के वसूलते हैं। देखिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और अब वापस पीछे बैरिकेडिंग की ओर गए हैं। वहाँ से
जो कुर्सी पर बैठे हुए पुलिसकर्मी हैं, जो अवैध वसूली करते हैं, जो अवैध वसूली खाकी के अंदर अवैध वसूली कर रहे हैं, उनको रकम देंगे। देखिए आप, ये देखिए आप, पुलिसकर्मी ने अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया, हाथ से पैसे अपने पास रखे, मुट्ठी में बंद किए, और मुट्ठी में बंद करने के बाद अब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने उनसे कहा कि 100 रुपये दे दिए जाएं चाय सिगरेट के, और 100 रुपये की मांग करी। ये एक और पुलिसकर्मी जिससे हाथ मिलाया गया है, उससे कहा गया है कि 100 रुपये दे दिए जाएँ चाय और सिगरेट के लिए। और ये दोनों पुलिसकर्मियों में बातचीत उस वक्त होती है, हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से बातचीत होती है, और उसके साथ ही अब कुर्सी पे बैठा पुलिसकर्मी जो मुट्ठी में बंद जो रकम हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने वसूली की दी है, वो खड़े हुए पुलिसकर्मी को देगा, जिसमें से 100 रुपये की रकम वापस। ये देखिए आप, ये रकम वापस दी गई, इसको गिना गया और 100 रुपये वापस हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को दिए गए। तो देखा आपने, खाकी कैसे बदनाम होती है, कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से पूरी खाकी पर दाग लग जाता है, और ऐसे अवैध वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों की वजह से ही आमजन का भरोसा खाकी से उठता जाता है। और अभी पिछले हफ्ते ही तो डीजीपी अजमेर आए थे साहेब, बोल गए कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन साहेब ये भी तो बताइए कि जिनके मुंह महात्मा गांधी छपे कागज का टुकड़ा लग गया हो, उसका इलाज कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे रुकेगी खाकी की यह अवैध वसूली? क्योंकि यह वसूली तो पूरे शहर में हो रही है। कोई पानी के टैंकर पास कराने की वसूली ले रहा है, कोई बजरी के ट्रैक्टर पास कराने की वसूली ले रहा है, कोई पत्थर का ट्रैक्टर पास कराने की वसूली ले रहा है। सब वसूली भाई बन गए। नेताजी सो रहे हैं, सरकार को मतलब नहीं है, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को भी मतलब नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं कि आखिर आम जनता से हो रही ये अवैध वसूली कैसे रुकेगी जो खाकी की आड़ में हो रही है। लेकिन हमें है, और इसके लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स दिन रात एक कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरे शहर में जहां जहां अवैध वसूली का खेल चल रहा है वहां वहां हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स पहुंच चुके हैं। ये खेल अब रुकना चाहिए, अजमेर एसपी को सख्ती बरतनी होगी, औचक निरीक्षण करने होंगे, तब जाकर हो सकता है कि यह अवैध वसूली का जो खेल पूरे शहर में चल रहा है वो बंद हो। खैर, अब देखना होगा कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन पर अजमेर के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह क्या कार्रवाई करते हैं, जिससे खाकी के प्रति आमजन का भरोसा कायम हो सके। और अब आखिरी बात जो एमपीटीवी इंडिया आप सबसे कर रहा है, आप सबके लिए, अजमेर जिले में कोई भी विभाग, कोई भी अधिकारी, कोई भी बाबू, कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी सरकारी मुलाजिम अवैध वसूली की रकम मांगता हो, रिश्वत मांगता हो, तो एमपीटीवी इंडिया को बताएं, हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स उन सबका स्टिंग करेंगे, जिसमें आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।